हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप नहीं करता, उन्हें ढूंढ पाना शायद नामुमकिन है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का एक नया वर्जन आ चुका है जिसमें आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव, टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश अगर आपका व्हाट्सएप नंबर चेंज करना पड़ता है तो आपको हर एक कॉन्टैक्ट में जाके मैनुअली सबको बताना पड़ता है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर को चेंज किया हो। ओके, तो हर एक को मैसेज करके ये बताना, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो इसलिए व्हाट्सएप ने यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया है जिससे आपको ऐसा वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप अपना नंबर को यहाँ पे चेंज किया हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे ये करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आप इस जो नंबर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जैसा करना था वही यहाँ पे आपको करना होगा। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर जाके, देन चेंज नंबर। चेंज नंबर पहले आपको ओल्ड नंबर देना पड़ेगा जिस नंबर के साथ आपका व्हाट्सएप अकाउंट अभी है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको न्यू नंबर डालना पड़ेगा जिस नंबर में आप इस व्हाट्सएप अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन, नया ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, नोटिफाई माई कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर इसे ऑन कर दूं, आपको तो ऑन करना ही पड़ेगा अगर आप सभी को बताना चाहते हैं आप अपना नंबर को चेंज किया हो, देन यहाँ पे ऑन। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन होगा ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। देन दूसरा ऑप्शन होगा क्या, कॉन्टैक्ट्स आई हैव चैट्स विथ, जिन लोगों के साथ आपने चैट किया था उन लोगों के पास आपका नंबर चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, और अगर आप कस्टम चूज करना चाहते हैं तो कस्टम में जाके आपको अलग अलग से चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टम में जाके आपको कॉन्टैक्ट से आपको चूज करना पड़ेगा जिसको आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, यहाँ पे चूज करके आप सेंड कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप अपने नंबर को चेंज करके सबको बता सकते हो कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे चेंज किया हो। ओके, लेकिन ये जो फीचर सबके लिए अभी नहीं है, फिलहाल ये चल रहा है बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में। ओके, तो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में कैसे जाना है, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा व्हाट्सएप, देन यहाँ पे देखिए बीटा ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में हूँ इसीलिए मुझे ये फीचर मिल रहा है। ओके, तो अगर आप बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हो यहाँ पे नीचे चले जाइए। यहाँ पे देखिए लीव ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा आई एम इन का ऑप्शन। ओके, तो आप जस्ट आई एम इन के ऊपर टैप कर दीजिए, बस आपका व्हाट्सएप बीटा वर्जन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे शायद आपको नहीं भी मिल सकता है क्योंकि बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम फुल हो जाता है कभी कभी। ओके, तो अगर फुल हो जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा इस फीचर को स्टेबल वर्जन में आने के लिए, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आप लाइक ही नहीं करते हो यहीं चले जाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे चल के इस तरह का और भी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।